नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग। दो तीन दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी, मैं इस चीज को देख रहा था बेटा, कुछ दिक्कतें थी, अब वो दिक्कतें सुलझ चुकी हैं। मैं वापस करंट अफेयर का सेशन लेके आ चुका हूं आपके लिए शाम को 7 बजे, और कुछ ऐसी तूफानी खबरें भी लाया हूं जो आपको जान के काफी अच्छा लगेगा। आपके लिए बैंकिंग का बैच भी शुरू हो रहा है, जैसा कि आपको पता है कि IBPS RRB PO असिस्टेंट अनाउंस हो चुका है, और इसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा मैं, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। काफी दिनों से गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा और गुड इवनिंग भी नहीं कहा मैंने आपसे। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ा दीजिए। सेशन दो तीन दिनों बाद आया है, कोई नहीं, बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी सेशन के बारे में, इसलिए बच्चों की संख्या भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को फटाफट एक काम करना है, सेशन को लाइक करना है और साथ साथ में सेशन को शेयर भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। गुड इवनिंग, संजय सिंह आ चुके हैं, शिव शंकर आ चुके हैं हमारे साथ, विद्यावती कुमारी, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी सेशन को आगे बढ़ा दें और शुरू कर देते हैं सेशन को। आज देखते हैं क्या क्या सवाल आपके लिए लाए हैं। रामराज मीना शर्मा जी आ चुके हैं हमारे पास, श्रुति प्रियम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। देखिए कोड के बारे में तो जानकारी देना बनता है, हमारा कोड है इस समय मिश्रा 10, जब मैं बात करता हूं आपसे यूट्यूब पर, तो मिश्रा 10 इज माई कोड, जरूर इस्तेमाल करिए इसका, ठीक है बच्चों, जरूर इस्तेमाल करिए। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, मुस्कान अंसारी, श्वेतांशु प्रीति, सुप्रिया मिश्रा, अभिजीत सिंह, मीनाक्षी, मीशा महतो, सेशन को शेयर भी करिए दोस्तों, सेशन को शेयर भी करते रहिए। आपकी जानकारी के लिए SSC CHSL का कोर्स चल रहा है, 8 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ छः महीने की करंट अफेयर भी कवर की जाएगी, जो कि CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। 6 मंथ की करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा, जो कि CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है दोस्तों। हेलो दीपक सोनकर कैसे हैं, छोटू कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग, शिव शंकर भी आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं टेलीग्राम के बारे में, जीए बाई भास्कर मिश्रा इज माई टेलीग्राम चैनल, इसके बारे में जानकारी है आपको, इस पर आपको PDF मिल जाएगी आज, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभिजीत सिंह सरताज, बिल्कुल सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। रामराज मीना गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मी, गुड इवनिंग, सब कुछ। 10 बजे डेली अन अकेडमी पे क्लास आती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सुबह सुबह क्लास होती है, स्टैटिक जीके की तूफानी क्लास होती है, बच्चे आइए आप लोग। 7 बजे 7 PM पे करंट अफेयर होता है डेली, जो आज चल रहा है वाईफाई स्टडी पर, और रात को 11 बजे मैं लाता हूं आपके लिए स्टैटिक जीके का सेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आप तक है, तो सेशन को शेयर कर दिए दोस्तों। अब देखिए, अगर वो बच्चे जो बैंकर बनना चाहते हैं लेकिन भटके हुए हैं, उनको एक बार जरूर देखना चाहिए हमारा सेशन। जल्दी ही अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप ये अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास देख सकते हैं। नया बैच जो है बैंकिंग का, वो 25 जुलाई से शुरू हो रहा दोस्तों, तो इसे खबर को आग की तरह फैला दीजिए। शर्मा जी पावर हाउस सर लेट, कोई नहीं बेटा, होता है कई बार। मुस्कान अंसारी स्वागत है, अभिजीत बिल्कुल होगा दोस्त, सेशन को शेयर तो करो और लाइक भी करना मत भूलिए। अब देखिए आज का पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बेटा मैं लेट हूं, सॉरी शक्तिमान, शर्मा जी मैं लेट हूं। हेलो बच्चे पार्वती कैसे हैं आप, सेशन को शेयर कर दीजिए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत और चाइना के बीच में लगातार मतभेद बने हुए हैं, लेकिन उसी मतभेद को सुलझाने के लिए कमांडर लेवल की जो टॉक है वो कल यानी कि जुलाई 14 को होगी, 2020 को होगी, ये खबर आई है। किस प्लेस में होगी, यानी किस जगह पर होगी, ईस्टर्न लद्दाख में, आपको यह जानकारी देनी है। विद्यावती कुमारी स्वागत है बेटा आपका, जी शर्मा जी माफ कर दीजिए, श्वेतांशु प्रीतिश स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट हो गया सेशन सर। देखिए आपके सामने सेशन शुरू हो चुका है, पूछा जा रहा है, लगातार चाइना और भारत के बीच में संबंध बिगड़े हुए हैं, कमांडर लेवल टॉक स्टार्ट होनी है, 14 तारीख को कमांडर लेवल टॉक होगी ईस्टर्न लद्दाख में, किस जगह पर ये टॉक होगी, आपसे सवाल बन सकता है, और मुझे पता है आप लोग गलत जवाब देंगे। उदय कुमार आ चुके हैं हमारे साथ,
धन्यवाद उदय कुमार जी, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए प्यारे मित्रों। अब देखिए, आप लोग को ये याद है कि गालवान में फेस ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था गालवान में, यानी कि बवाल यहीं पर हुआ था। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, हमने उनके 40 मारे थे, आपको जानकारी होगी। लेकिन गालवान में ये मीटिंग नहीं हो रही है। निमू की जब बात करते हैं तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री निमू उस जगह पर जहां पर सेनाओं के तीनों तीनों हिस्से जो हैं उनको संबोधित करते हैं, वो निमू है, ये जगह भी नहीं है। जब बात करते हैं चुशुल की, तो ये वही जगह है जहां पर बेटा 14 तारीख को कमांडर लेवल की मीटिंग होनी है। जगह का नाम क्या बेटा? चुशुल। तीसरा आंसर सही है। पेंगोंग लेक जो है लगातार चर्चाओं में है, चाइना का अतिक्रमण भी है यहां पर। दोनों सेनाएं जो हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं कि जो डिसएंगेजमेंट है, मतलब दोनों सेनाओं को जो आगे आगे बढ़ी है उनको पीछे जाना जरूरी है, तो इसी मुद्दे पर मीटिंग चल रही है। जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो हमारे इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, इस समय कोई पूछे इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, तो आप बोलते हैं, आप क्या नाम देते हैं इंडियन आर्मी के जनरल का नाम बताइए फटाफट। जय हिंद बच्चे, अंगद दुबे आ चुके हैं हमारे साथ, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। इंडियन आर्मी के जनरल का नाम बताइए, मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है बेटा, मनोज मुकुंद नरावने ये जनरल है हमारे, नरावने ये जनरल है। अब बात करते हैं सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इस समय तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो कौन है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, दिमाग में रखिएगा। हाँ बेटा मिशा, नाम थोड़ा अजीब सा है, कोई नहीं। सीडीएस पहली बार इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, और इस पोस्ट पर हमारे पूर्व जनरल आर्मी जनरल बिपिन रावत जी को जगह मिली है यहां पर। ठीक है बच्चे, 1 जनवरी 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया सीडीएस के तौर पर। कोई पूछे आपसे आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 15 जनवरी। आर्मी डे कब मनाया जाता है बच्चे? 15th of January। ठीक है बेटा, अभी हाल में ही जो लद्दाख के गालवान में स्टैंड ऑफ हुआ था, कौन सी बटालियन वहां पर पोस्ट थी, कोई पूछे तो बिहार रेजिमेंट की बटालियन वहां पर पोस्ट थी। ठीक है बच्चे, इन सभी बातों को दिमाग पे रखना है। ठीक है बेटा, अभी हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मॉस्को गए थे रशिया के विक्ट्री डे पर, 24 जून को जो मनाया गया। ये बताइए कौन से एंटी मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर पक्का करने के लिए वहां पर गए थे, वो कौन सा एंटी मिसाइल सिस्टम था? तो जवाब होगा बेटा S-400। ऐसी कई और सवाल आपसे पूछे जाएंगे डिफेंस के, जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ दोस्तों। सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। अरुण कुमार, आलोक कुमार यादव, अमित कुमार, कुमार राहुल, मिशा मैतो, अतुल, बलराम, सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग। सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। बेटा कॉप्स, सूरज यादव ने पूछा है कॉप्स कमांडर लेवल टॉप का मतलब है बेटा यहां पर, वहां पर जो आर्मी या जो बटालियन पोस्ट है वहां पर इस समय, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में जो बटालियन पोस्ट है उस लेवल में बात की जाती है, जब वहां पर उस पर्टिकुलर बटालियन में कमांडर लेवल कौन से हैं, और साथ साथ में हमारी सेना के जो प्रमुख है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की पोस्ट होती है जो, उसकी बात की जा रही है यहां पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। सूरज यादव, मैंने आपको जवाब दे दिया है, यानी कि कुल मिलाकर आप बोले तो जो कमांडर लेवल, यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो पोस्ट है उस स्तर पर बातचीत होगी। ठीक है बेटा, उदित डे गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यहां पर कई बातें डिस्कस कर दी, इसे एंड में रिवाइज भी करा देंगे। अभी हाल में ही नेशनल फिश फार्मर डे मनाया गया। किस दिन मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको, किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, सौरभ गुप्ता आ चुके हैं, अरुण कुमार, मोहित कुमार। नेशनल फिश फार्मर डे कोई पूछे कब मनाया जाता है, तो जवाब क्या होगा बेटा? 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई को मनाया जाता है, 10th of July को, सेकेंड आंसर एकदम सही है। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है इस दिन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है देश की, विश्व की जब बात करें, तो बेटा भारत और चाइना का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और इसी को लोगों के अंदर अवेयर करने के लिए, इसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, किसको? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को। 1 जून को क्या होता है, इस दिन होता है बेटा वर्ल्ड मिल्क डे। कौन सा डे होता है बेटा? वर्ल्ड मिल्क डे होता है।
वर्ल्ड मिल्क डे, क्लियर है। 7 जून को क्या होता है, 7 जून को इस दिन होता है बेटा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस दिन होता है बेटा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, क्लियर है बच्चे। जितने भी दिन लिखे हैं सबके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और जब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करते हैं तो हमारे देश में वो कौन सी संस्था है जो कि फूड रेगुलेटर के तौर पर काम करती है, तो आपका जवाब क्या होता है दोस्तों, फसाए, आपका जवाब होता है फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब 3 जून की बात की जाती है तो बाइसिकल डे होता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, आपको याद रखने जरूरी हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। सूरज यादव आ चुके हैं हमारे साथ और बोल रहे हैं लाइक एंड शेयर करने की, तो अपने दोस्तों की बातों को सुनिए, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए। विद्यावती कुमारी धन्यवाद बच्चे, और साथ साथ में बैंकिंग का बैच जो कि 25 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में जो स्पेशल क्लास होगी आपकी अनअकैडमी पर, उसकी जानकारी भी आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी हाल में ही कोई अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया जिसका थीम था हाउ टू सेव गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, नाउ इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे। कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ये किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय है आपको जानकारी देनी। मिर्शिद चूक बेटा, कोविड-19 के बारे में भी कई सवाल रखे हैं, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बता दे बेटा, भारत तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, केसेस की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, ये संख्या जल्दी ही 30,000 के करीब भी पहुंच सकती है, ठीक है बेटा। जल्दी ही देश में कोविड-19 के केसेस जो हैं वो 30,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अब देश में जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या काफी तेज हो चुकी है। आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो बेटा ये जो थीम है, इतनी लंबी चौड़ी थीम है, ये विश्व जनसंख्या दिवस की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। अगर विश्व की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 7 अरब, लगभग 7 अरब इस समय पॉपुलेशन है। और जब बात की जाती है भारत और चाइना की, तो नंबर 1 पर चाइना है और नंबर 2 पर इंडिया है। दोनों कंट्री भारी मात्रा में सहयोग कर रहे हैं पॉपुलेशन में, और इसी को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। एनवायरमेंट डे की बात करते हैं बेटा, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए बच्चों आपके। जी, नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर ब्राजील है, और तीसरे पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर इंडिया आ चुका है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम जैर एम बोल्सोनारो है, उनको भी कोविड-19 हुआ है, कोविड-19। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जैर एम बोल्सोनारो, दिमाग में रखेगा, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बच्चे जैर एम बोल्सोनारो, जैर एम बोल्सोनारो, जैर एम बोल्सोनारो, ये भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे देश में अमिताभ बच्चन एंड फैमिली जो है कोविड-19 से ग्रसित पाई गई, काफी चर्चाओं में, मीडिया में काफी खबरें आ रही हैं। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, बिल्कुल सही जवाब। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है बेटा वो 7 अप्रैल को होता है, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। यहां पर चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। वो कौन सा नेबर कंट्री है बेटा, वो कौन सा पड़ोसी देश, कोई बच्चा पूछ रहा था सर कोविड-19 से जुड़ी खबरों को बताइए, मैंने इतनी सारी खबरें बता दी। आपने एक एक्टर के बारे में सुना होगा जॉन ट्रेवोल्टा, उनकी जो वाइफ है कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया है, ठीक है बेटा, इसकी जानकारी आप लोग को पहुंच गई होगी, आपको जानकारी होगी इसकी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं वो कौन सा नेबर कंट्री है जिसके द्वारा कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आप विदेशी यात्रा करते हैं तो। ये आंसर होगा बांग्लादेश का, आंसर क्या होगा बेटा, बांग्लादेश। जी, आपको सारी बातें जाननी बेटा, ब्राजील के बारे में बात करें तो वहां की कैपिटल क्या है ब्राजीलिया, करेंसी क्या है रियल, प्रेसिडेंट कौन है जैर एम बोल्सोनारो, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस वहीं पर हैं,
जैर एम बोल्सोनारो की जब बात करते हैं तो इस बार 26 जनवरी 2020 को चीफ गेस्ट के तौर पर वो भारत में आमंत्रित किए गए थे। ये सारी खबर उसी से जुड़ी हुई है। पिछली बार यानी कि 2019 में दिसंबर में मीटिंग ब्रिक्स की वहीं पर हुई थी, इस बार ब्रिक्स की मीटिंग रशिया में होगी। सारी बातें क्लियर है दोस्तों जी। यहां पर पूछा जा रहा है पांचवा आंसर, लेकिन पांचवा नहीं है बेटा, आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अब्रोड यानी कि ट्रैवलिंग, अगर आप बाहर की तरफ विदेशों की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बांग्लादेश की जब बात करें तो यहां की मुखिया, यहां की लीडर कौन है, शेख हसीना है। अगर बात करें यहां की कैपिटल की तो ढाका है। कैपिटल क्या बेटा? ढाका है। और करेंसी की बात करें तो टका है। करेंसी क्या बेटा? टका। अभी हाल में ही चाइना द्वारा 97% टैरिफ में रिडक्शन किया गया है, 97% टैरिफ में छूट दी गई है। किस कंट्री में कोई पूछा जाए तो जवाब क्या होगा दोस्तों? तो जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभी आपने देखा बेटा हाल में देखा 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे था। किस दिन था बेटा कोई पूछे तो आपका जवाब होगा 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे था 10 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो संस्था है इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संस्था, नाम है बेटा उसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसके द्वारा 2019 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिपोर्ट को नाम दिया गया था ग्लोब फिश, उसके अनुसार भारत एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर में कौन से पोजीशन पर है और फिश प्रोड्यूसिंग में कौन से नंबर पर आता है, ठीक है बेटा। शिवानी साहू आप उस क्लास में थी जिस क्लास में मैंने पूछा था, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है और थर्ड नंबर पर फिश प्रोडक्शन में है इंडिया। इन सारी बातों को दिमाग में रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि हाल में ही नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया है। सेकेंड एंड थर्ड यानी कि तीसरा आंसर इसमें एकदम दुरुस्त है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाएं, दिव्या द्विवेदी आ चुकी हैं, शिवानी शाहू, विद्यावती पटेल, विनीत, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं इस सेशन में। अगला सवाल बता दीजिए दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज ये मंत्रालय किसके पास है, वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके पास ये मंत्रालय है? तो सवाल होगा, सवाल का जवाब होगा गिरिराज सिंह वो मंत्रालय संभालते हैं। कहां से हैं बेटा? ये हैं बेगूसराय से सांसद। कौन से सराय से? बेगूसराय, ठीक है दोस्तों। ये कहां से सांसद हैं? बेगूसराय से ये MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बेगूसराय कहां पर आता है? बिहार में आता है। कहां पर? बिहार में, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के बारे में बात की जा रही थी यहां पर, और अगर मैं बात करूं एक योजना की जो कि इसी से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री PM मत्स्य संपदा योजना बेटा, ये हाल में मई के महीने में अनाउंस की गई थी और इसका बजट पूछा जा सकता है आपसे। बजट के बारे में दिमाग में रखिएगा बच्चों, बजट कितना है कोई पूछे तो बजट है इसका 20,050 करोड़ बेटा, ये बजट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। अभिषेक सिंह, अगर आप बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो मान के चलिए 6 मंथ का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, दिमाग में इस चीज को रखिएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर कुछ और नाम भी दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की जब बात करेंगे तो बेटा एग्रीकल्चर, दिमाग में फटाफट शॉर्ट में रखिएगा एग्रीकल्चर। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय है इनके पास। सदानंद गौड़ा की बात करेंगे बेटा तो इनके पास है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सारे मंत्रालयों के बारे में आपने जान लिया दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर, और आपको अब बताना है वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है, एक कैंपेन शुरू किया जाएगा जिसका नाम है रोको टोको। जो कैंपेन है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जा रहा है, वो लोग जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस समय
उनको उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा इस कैंपेन के तहत। तो रोको टोको कैंपेन किस स्टेट में शुरू किया गया है आपसे पूछें तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा दोस्तों? एमपी। विराट कोहली कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप। अच्छा तो कोहली साहब आपको अभी यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप फिर काफी आनंदित महसूस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। रोको टोको कैंपेन के बारे में कोई पूछे आपसे तो रोको टोको कैंपेन जो है ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। जब हम एमपी की बात करते हैं तो यहां के सीएम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। सीएम कौन है यहां पर? शिवराज सिंह चौहान है सीएम, दिमाग में रखिएगा चीज को। शिवराज सिंह चौहान सीएम है, शिवराज सिंह चौहान बेटा सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल ने 2 जुलाई को अतिरिक्त प्रभार संभाला है यहां का, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं इन्होंने कार्यभार संभाला है गवर्नर के तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो कोहली साहब को अनुष्का के पास भेज दिया गया है, 2 मिनट में अनुष्का के पास पहुंच जाएंगे वो। ठीक है बेटा, तो दिमाग पर रखिएगा कोहली साहब, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा यहीं पर है, नर्मदा नदी। और नर्मदा उत्सव, नर्मदा एक मेला है जो कि यहीं पर मनाया भी जाता है। एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ और भी स्टेट हैं, यूपी की जब बात करते हैं तो यहां की भी गवर्नर के बारे में बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल ही गवर्नर हैं। तेलंगाना की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं ये यहां के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें बेटा तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बेटा विश्वभूषण हरिचंदन है। और तेलंगाना की जो गवर्नर है उनका नाम तमिलसाई सौंदर्य राजन है। तमिलसाई सौंदर्य राजन जो बेटा वो तेलंगाना की गवर्नर है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। बेटा आप लोग कंटिन्यू करिए क्लास, बेटा आप लोग परेशान मत करिए। अब अगला सवाल, 10 जुलाई की खबर है बेटा, 750 मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जगह पर इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। सवाल पुराना है लेकिन क्लास नहीं हुई थी इसलिए कुछ चीजों को रिकॉल भी किया जा रहा है, रिवाइज भी कराया जा रहा है। तो ये तो सबको पता है रीवा में। रीवा कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। लेकिन रीवा की किस तहसील की बात करें तो उस तहसील का नाम है बेटा गुर। जगह का नाम क्या है बेटा? गुर, जहां पर इस सोलर प्लांट को लगाया गया है। 1590 एकड़ जमीन में इस प्लांट को सेट किया गया है। वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की एक बॉडी है जिसका नाम है आईएफसी, जो यहां पर फिनेंशियल सुपरविजन का काम करेगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी यहां पर इस प्रोजेक्ट में सहायता मिल रही है दोस्तों। ठीक है बेटा, चलिए। नहीं बेटा नरोरा नहीं है, नरोरा की जब बात करते हैं तो नरोरा में प्लांट है, देखिएगा समझिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट और सोलर प्लांट में काफी अंतर होता है मेरे दोस्त। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब बात करते हैं तो वो नरोरा में है। और नरोरा के की जब बात करें तो नरोरा कहां पर है बेटा? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहां पर है? बुलंदशहर में है। और बुलंदशहर कहां है बेटा? यूपी में। ठीक है बेटा, कोई पूछे आपसे रावतभाटा के बारे में तो रावतभाटा कहां पर है? राजस्थान में है। जहां पर राजस्थान में है रावतभाटा, जहां पर रावतभाटा आया हुआ है राजनीति में, रावतभाटा राजनीति में राजस्थान में आ चुका है दोस्तों। ठीक है बेटा, और वहां पर अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली है, जैसा कि आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है।
अगला सवाल जो है बेटा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है जो कि किसके लिए है ये आपको बताना है। असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जवाब आपको देना है दोस्तों। जी अनुषा शर्मा आपको शायद से याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कर्नाटक में 2000 अजय पाल जी ये था। अब जो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा बेटा वो ये होगा। कैपेसिटी की बात की जा रही है, 750 मेगावाट अभी है, ठीक है बेटा, ये बढ़ाई जाएगी। इस नजरिए से कर्नाटक वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, दिमाग में रखिएगा। सुशांत कुमार की बात की जा रही है, सुशांत बोल रहे हैं एमएसएमई का फुल फॉर्म, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। असीम की जब बात की जाती है बेटा, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर पहला सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल कौन संभाल रहा है कोई पूछे, तो महेंद्र नाथ पांडे जो हैं ये मंत्रालय संभाल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का। महेंद्र नाथ पांडे द्वारा इस मंत्रालय को संभाला जा रहा है। महेंद्र नाथ पांडे इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा ही असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा इससे पहले भी स्किल से जुड़ी हुई कई योजनाओं को स्टार्ट किया गया है। आपने एक योजना के बारे में जाना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना भी इसी मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, और साथ साथ में इसके साथ में एनएसडीसी भी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जाती है, एनएसडीसी। दिमाग में सारी बातों को रखिएगा दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, एम फॉर मिनिस्ट्री, एम फॉर महेंद्र नाथ पांडे, दिमाग में रखिएगा बेटा। मिनिस्ट्री किसके पास है, महेंद्र नाथ पांडे के पास है। इस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी बड़ी योजनाओं को भी शुरू किया गया था, जिसे एनएसडीसी और ये मंत्रालय मिलकर संभाल रहा है। शिशांत कुमार स्वागत है बेटा आपका, रोहित यादव आपका भी स्वागत है बेटा। सेशन को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। एग्रीकल्चर के बारे में कोई पूछे आपसे कि एग्रीकल्चर किसके पास है, तो आपका जवाब होता है नंदू भाई, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभालते हैं। एमएसएमई की बात करेंगे बेटा, तो नितिन गडकरी के पास ये मंत्रालय है, ठीक है। और एनवायरमेंटल मिनिस्टर की बात करेंगे तो बेटा ये प्रकाश जावड़ेकर के पास है। जब भी किसी सवाल में कई मंत्रियों के नाम दिए जाएं, मिनिस्ट्रियों के नाम दिया जाए बेटा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी मंत्रालयों से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उनके नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। खुशबू शर्मा बेटा शाम को 7 बजे, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे क्लास होती है 7 PM पर बच्चे, और रात को 11 बजे भी क्लास होती है जो कि स्टैटिक जीके की होती है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अक्षय दत्ता आगे, मिशा मैं तो बहुत अच्छे बच्चे। रिसेंटली अ वर्किंग ग्रुप कॉल्ड इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल, इस पूल को लॉन्च किया गया है, एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया है। इस वर्किंग ग्रुप को किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है, दिमाग में रखिएगा। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल एक नाम का पूल है बेटा, इसे तैयार किया गया है। कौन सी संस्था द्वारा इसे तैयार किया गया है बेटा, आपको जवाब देना है। वो संस्था सेबी है, नबार्ड है, IRDAI, SIDBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं, या तो ये रेगुलेटर हैं किसी सेक्टर की या फिर बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी बैंकिंग संस्थाएं। जी मिश्रा मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी नितिन गडकरी के पास ही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उमेंद्र आ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा कैसे हैं आप। हरजिंदर सिंह खालसा नंबर एक आंसर, गलत जवाब बेटा आपका। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है IRDAI, जैसे हम लोग इरडा बोलते हैं कई बार हिंदी में, इरडा, IRDAI, ये वो संस्था है जिसके द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल को लॉन्च किया गया है। ये एक वर्किंग ग्रुप है, और वर्किंग ग्रुप क्या काम कर रहा है बेटा, COVID-19 के इस दौर में किस प्रकार से फिनेंस के नजरिए से काम किया जा सकता है इन संस्थाओं द्वारा, इस पर जोर दिया जा रहा है। इंश्योरेंस की जब बात की जाती है तो इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर का बेटा ये रेगुलेटर है। अगली बात करें अगर हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इसके द्वारा अभी हाल में ही एक स्कीम भी निकाली गई थी, आरोग्य संजीवनी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, खासकर वो बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं।
आरोग्य संजीवनी सवाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है बच्चे, तैयारी करके रहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईआरडीआई से ये पूछा जा सकता है किसकी स्कीम है, तो आरोग्य संजीवनी आईआरडीआई की स्कीम है। आपसे पूछें हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो जवाब होगा बेटा हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। आपसे कोई पूछे कि स्थापना कब हुई है, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया इस संस्था के चेयरमैन है इस समय, खुंटिया साहब इस समय इसके चेयरमैन है। ठीक है बेटा, तो किसी भी सेक्टर की जब बात करते हैं तो सेक्टर से जुड़े हुए सारी बातें आपको पढ़नी बहुत जरूरी हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है दोस्त, हैदराबाद, बिल्कुल सही बच्चे। तो आईआरडीआई के बारे में सारी बेसिक जानकारी आपको पता चल चुकी है। ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना 1999 की है। आरोग्य संजीवनी इसके द्वारा शुरू की गई स्कीम है जो कि इंश्योरेंस जुड़ी हुई है। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरमैन है। और साथ साथ में अगर हम बात करें आईआरडीआई की, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की, यानी कि हमारे देश में जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है इसे यही संभालता है। सेबी की बात करें बेटा, तो सेबी जो है ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर या फिर शेयर मार्केट रेगुलेटर है। तो कोई पूछे सेबी किस फील्ड को रेगुलेट करता है, तो आप बोलेंगे कैपिटल मार्केट को करता है। नबार्ड ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी की बात करेंगे तो ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक डेवलपमेंट बैंक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बेटा बैंकों के पिताजी का नाम है, यानी कि बैंकों के पिताजी, यानी कि बैंकों के डॉन है। जी रंजीत कुमार, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ की जानकारी आपको दी गई थी। जी भाई भास्कर मिश्रा पे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। जी बच्चा, बैंक के लिए अलग चैनल है, बैंक के लिए अलग चैनल भी है, बैंक के लिए अलग चैनल भी बेटा, आप यहां पर भी करंट अफेयर का सेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है मताला राजपक्षा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये सवाल 10 तारीख के करीब का है, लेकिन सेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इन सवालों को भी आज के सेशन में फिर से रखा है। तो मताला राजपक्षा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट किस स्टेट में या किस कंट्री में सिचुएटेड है, आपको जवाब देना है। शर्मा जी, अभी जीए पढ़ लीजिए, रीजनिंग तो बाद में देखा जाएगा। प्रीति तकिया, मैंने सुन लिया उनकी बात बेटा। शर्मा जी, पहले तो नाम आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, सीएचएसएल के लिए इंग्लिश भी बता दें आपके लिए, बहुत सही। जीए नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लेना आपको, बहुत सही बेटा। आंसर बेटा श्रीलंका है, दिमाग में रखिए। राजपक्षा, जब राजपक्षा के बारे में बात करेंगे तो महिंद्रा राजपक्षा दिमाग में रखिए, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, महेंद्र राजपक्षा। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंट 2017 की बात है बेटा, 2017 की बात है। चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था इनका, चाइना के साथ, कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा श्रीलंका में, और जिसकी कैपेसिटी होगी 10 लाख लोगों की, यानी कि 10 लाख लोग इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को, एक तरह से बोला जाए तो 10 लाख लोग इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में आ जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें सिंगल डे की बात की जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां पर नहीं आ पा रही जा रहा। इस समय श्रीलंका डेट में चल रहा है। भारत के साथ एक बात की गई थी इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन श्रीलंका के द्वारा ही खुद से रिक्वेस्ट की गई और इस एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया गया है। आने वाले एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा एमटीएस एयरपोर्ट, यानी कि अब ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जगह बोल सकते हैं आप, विश्व का सबसे बड़ा एमटीएस एयरपोर्ट कौन सा है, तो उसका नाम होगा मताला राजपक्षा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि श्रीलंका में है। गोटाबाय राजपक्षा सही बता रहे हैं सुरेश सूरी जी, पीएम इस समय श्रीलंका के गोटाबाय राजपक्षा हैं, सही जवाब। प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षा हैं, दोनों भाई हैं, है ना बच्चे, और साथ साथ में वहां की करेंसी रुपया ही है। और अगर कैपिटल की बात की जाए तो जयवर्धने एमटीएस एयरपोर्ट भूमि, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। जी चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगले सवाल की बात की जाती है,
अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की जब बात की जाएगी बेटा, तो हॉकी इंडिया की नए चेयरमैन के तौर पर हाल में ही किसको नियुक्त किया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आप सब इन करंट अफेयर को पहले ही पढ़ चुके होंगे जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। ये सेशन एक प्रकार का रिवीजन का सेशन होता है दोस्तों, और अगली क्लास से मैं कुछ नई चीजें इसमें ऐड करने वाला हूं, जैसे एक स्टेट और उससे जुड़े हुए कई स्टैटिक जीके, एक बड़ी योजना और एक बैंकिंग का टॉपिक। इन तीन चीजों को इस सेशन में ऐड किया जाएगा। कल से आप इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है दोस्त? कल से आप इन सब चीजों को देखेंगे। सॉन्ग सीरीज पूछ रहे हैं, कोलंबो क्या है बेटा? कोलंबो पुरानी कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर बोल सकते हैं, नई कैपिटल के तौर पर जयवर्धना पट्टो हो गई है। आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। आंसर है बेटा ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, दिमाग में रखिएगा। और जब हम बात करते हैं फेडरेशन हॉकी इंडिया की, FHI की या FIH की बात करते हैं जब बेटा हम, तो इसके द्वारा जो हमारी हॉकी इंडिया है बेटा, इसके द्वारा जिस नाम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, उस नाम का बात करें तो वो कौन है? रानी रामपाल है। रानी रामपाल को हमारे इंडियन हॉकी फेडरेशन द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, एकदम वैसे ही जैसे BCCI ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है, ठीक है दोस्तों? क्लियर है प्यारे बच्चों? अनमोल किरण नरेंद्र ध्रुव बत्रा नहीं। अमित कुमार बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप, फिर से पूछ लीजिए, मैं कमेंट देख नहीं पाया आपका। अभिषेक कुमार दूसरा आंसर सही है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। नई दिल्ली में बेटा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अनुषा शर्मा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है बेटा। रानी रामपाल जो है वो इंडियन हॉकी विमेन्स हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है। और आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल इंडियन विमेन्स टीम की कैप्टन है। अमित कुमार CHSL के लिए इंग्लिश के लिए मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता पाऊंगा आपको, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, फ्लिपकार्ट जो कि देश का नंबर वन ई कमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे एक्वायर कर लिया गया था वॉलमार्ट द्वारा। ये वॉलमार्ट जो है बेटा ये एक अमेरिकन कंपनी है, और ये अमेजोन को टक्कर देने के लिए इंडिया यानी कि सबसे बड़ी मार्केट में घुसना चाहती थी, तो उसके सामने एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट थी जो कि उस समय घाटे से जूझ रही थी। उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया एक तरह से देखा जाए तो। इसके द्वारा वो कौन सा स्टेट है जिसके MSME डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया गया है वहां के आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए? सवाल फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाता है, फ्लिपकार्ट जो है देश का नंबर वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि इस समय वॉलमार्ट के कब्जे में या वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर कर लिया है, उसके द्वारा कौन से राज्य के MSME डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट या टाई अप किया गया है जिसकी मदद से उस राज्य के आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा ऑनलाइन? तो आंसर है बेटा कर्नाटक। आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक की जब बात करें बेटा, कर्नाटक के CM जो हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा, ये CM हैं। गवर्नर की जब बात करेंगे बेटा आप, तो वाजू भाई वाला, ठीक है बेटा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो काफी चर्चाओं में था, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहीं पर है बच्चे, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर है, ठीक है बेटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर है। बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, तो यहाँ पर नेशनल पार्क की संख्या बेटा 5 है, 5 नेशनल पार्क है बेटा यहाँ पर, दिमाग में रखिएगा। कितने नेशनल पार्क है दोस्तों? 5 जी। और पांचों नेशनल पार्क के बारे में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, एक नेशनल पार्क का नाम है आंशी ने क्या बताया बेटा कि आंशी ने बताया
कि नगर में यानी कि नगर होल, नगर में बैनर लगाना यानी कि बन्नर घट्टा, बैनर लगाना पर क्या है, बंदी है। क्या है बेटा, बंदी है, बंदी। आंशी ने बताया कि नगर में बैनर लगाने पर क्या है दोस्तों, बंदी है। थैंक यू दोस्त, मैं हेल्प बॉय लग रहा हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा आंशी द्वारा बताया गया कि नगर में बैनर लगाने पर बंदी है, इसका मतलब आंशी नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क, बन्नर घट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर और एक है कुद्रेमुख। मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं, याद रखिएगा इसको, आपको याद करने में आसानी मिलेगी। कुद्रेमुख, क्लियर है दोस्तों जी। एमएसएमई शिशांत कुमार, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मझले उद्योग, समझे बेटा, शिशु किशोर तरुण, समझिए छोटे से बड़े की तरफ चलिए जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, कर्नाटक के बारे में आपने थोड़ी छोटी छोटी मोटी बातें, चिन्ना स्वामी स्टेडियम यहीं पर दिमाग में रखिएगा चीज को। अमेजॉन की बात करें, दूसरी कौन सी कंपनी जो फ्लिपकार्ट को टक्कर दे रही है, उसका नाम है अमेजॉन। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फोन पे है ये कौन सी कंपनी का प्लेटफॉर्म है। तो बेटा ये जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म है, पेमेंट एप्लीकेशन है, किसका है बेटा, ये फ्लिपकार्ट का है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। अरे रेनू वाला बेटा, बांदीपुर जो है वो राजस्थान में नहीं है, वो कर्नाटक में है। आप जिसकी बात कर रहे हैं बच्चे, वो बांधवगढ़ होगा। प्रीति तकिया, चैंपियंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चैंपियंस पोर्टल भी एमएसएमई यानी कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। अमेजॉन द्वारा एक्सीलरेट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से जो शॉपकीपर्स हैं उनको सोशल यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। फ्लिपकार्ट, चांद साहब अच्छी बात है। अभी हाल में वो कौन सा कंट्री है जिसका रॉकेट फेल हुआ और ये तीसरा रॉकेट था उसका इस साल का, ये सवाल मैं बाकी बच्चों से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पूछ चुका हूं। यूट्यूब की क्लास चल रही है इसलिए मैं बाकी बच्चों से भी पूछ रहा हूं, साथ साथ में बाकी जो बच्चे उस दिन क्लास कर चुके हैं उनका रिविजन भी यहां पर हो रहा होगा जी। अमित कुमार, फ्लिपकार्ट का है फोन पे, बिल्कुल सही जवाब, फोन पे बिल्कुल सही जवाब। मुकेश बेटा, आप सुबह की अनअकैडमी वाली क्लास किया करिए, सुबह 10 बजे भास्कर प्रताप मिश्रा सर्च करेंगे, अनअकैडमी की क्लास सुबह होगी, कल आइए वहां पर देखिए कितने प्यार से हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, बाकी बच्चे भी आते हैं, ठीक है बच्चे, पढ़ने में मजा भी आता है और काफी कुछ सीखने को मिलता है और किस तरह से हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी आपको वहां पर बताया जाएगा। डेली बेटा, डेली क्लास होती है फोटोशूट गराज, यस ठीक है बच्चे। अब आंसर कोई पूछे तो आंसर बेटा KZ11 ये आंसर सही है। अभी हाल में ही ये सैटेलाइट जो कि एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये फेल हो गया, इससे पहले भी लॉन्ग मार्च 7A भी फेल हो चुका है और लॉन्ग मार्च 3B भी फेल हो चुका है। तो ये तीनों सैटेलाइट हैं जो कि इस वर्ष 2020 में फेल हुए हैं तीनों, ठीक है दोस्तों। तियानवन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तियानवन के बारे में, ये चाइना का मार्स मिशन है बेटा उसका नाम है तियानवन, दिमाग में रखिएगा, चाइना का जो मार्स मिशन है उसका नाम है। चाइना की जब बात की जाती है बेटा तो यहां के प्राइम मिनिस्टर को हम आमतौर पर, यहां प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहां पर बोला जाता है प्रीमियर, और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि चाइना के प्रीमियर कौन है, और बहुत सारे बच्चे जो आंसर देके आते हैं वो प्रेसिडेंट का नाम लिख के आते हैं क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं वहां पर शी जिनपिंग भी दिया होता है और साथ साथ में वहां पर ली कैकियांग भी दिया होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, प्रीमियर के बारे में कोई पूछे तो आप बोलेंगे ली कैकियांग। कैपिटल सिटी कौन सी बेटा, बीजिंग है कैपिटल सिटी, दिमाग में रखिएगा, कौन सी कैपिटल है बेटा, बीजिंग है कैपिटल सिटी। और फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में कोई पूछे तो शंघाई, फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई है।
आपसे कोई पूछे कि यहां का सेंट्रल बैंक कौन सा है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके नजरिए से चाइना का सेंट्रल बैंक के बारे में कोई पूछे तो बोलेंगे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। कई जगह पर इसे पीबीओसी के तौर पर भी लिखा जाता है। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा, तो यहीं पर कई अंतरराष्ट्रीय बैंक भी हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें हम लोग, जैसे हम बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो इन दोनों संस्थाओं के हेडक्वार्टर यहीं पर हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई में है और एआईबी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, शिवानी शाहू सही जवाब, अभिनव राज हेलो बच्चे कैसे हैं आप। तो आपसे कोई पूछे कि चाइना का प्रीमियर कौन है, तो आपका जवाब होगा ली कैकियांग। ली कैकियांग इज द चाइनीज प्रीमियर, ये चाइनीज प्रीमियर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। और कोई पूछ ले आपसे कि चाइना का जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी है जो बच्चे, उसका नाम है CNSC, दिमाग पर रखिएगा। सुशांत कुमार बेटा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फुल फॉर्म है AIIB का। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए डिफेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर डिफेंस से जुड़े सवाल भी लाया करिए, तो डिफेंस से जुड़े हुए हमने 2-3 सवाल पढ़ लिए बच्चे यहां पर। डिफेंस से जुड़े सवाल, वो कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी डिलीवरी कर दी गई है, अभी हाल के ही खबरों में खबर थी। दीपांकर चौधरी एडीबी का हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला है, मेट्रो मनीला एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, CNSC है। शिवानी साहू सही जवाब बेटा, करेंसी चाइना की करेंसी है बेटा, कई जगह पर आपको युआन लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह पर आपको रेनमिनबी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता बेटा, रेनमिनबी। तो रेनमिनबी ये चाइना की करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी। ठीक है दोस्तों, जी नहीं, उस कंपनी का नाम है बेटा बोइंग, दिमाग में रखिएगा। वो कंपनी कौन सी है, बोइंग द्वारा 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, और नाम क्या है कोई पूछे तो अपाचे। उन हेलीकॉप्टर्स के नाम के बारे में कोई पूछे तो अपाचे और चिनूक, ये दो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हमारी सेना को सुसज्जित करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। नेहा कुमारी हेलो बच्चे कैसे हैं आप। ठीक है बेटा, बोइंग आंसर सही है। कोई पूछे बोइंग कहां की कंपनी है, तो बेटा बोइंग अमेरिकन कंपनी है, USA। क्लियर है दोस्तों, जी रेनमिनबी बिल्कुल सही जवाब। दिव्या द्विवेदी, दीपक सोनकर आ चुके हैं सही जवाब दे रहे हैं, सूरज सूरी भी सही जवाब दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत है बेटा, सेशन को शेयर कर दिया करिए। डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, सुबह 10 बजे अन अकेडमी पे क्लास होती है। 25 तारीख से 25 जुलाई से बैंक का स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, आस पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार सबको जानकारी दे दीजिएगा। जी प्रीति पांडे स्वागत है बेटा आपका, आप सही बता रही हैं, एकदम जबरदस्त जवाब। अभी हाल में ही चाइना की एक एम्बेसी है जो किस कंट्री में है बेटा, जिसके द्वारा उस देश में निमोनिया के काफी गंभीर मसले पाए गए हैं, इसकी जानकारी दी और बताया गया चाइना के एम्बेसी द्वारा कि COVID-19 से खतरनाक रिजल्ट हो सकता है। वो कौन सी कंट्री है जहां पर चाइना की ये एम्बेसी है जिसके द्वारा इस जानकारी को दिया गया है। शुभम हेलो बच्चे कैसे हैं, देव दत्ता भी आ चुके हैं हमारे साथ, हर्षल कोहली भी आ चुके हैं, आप लोग बेटा काफी लेट आए हैं। अश्विन वाजपेयी स्वागत है बेटा आपका, अंकुल आपका भी स्वागत है। शिवम शर्मा जय हो बच्चे कैसे हैं आप, आपको आंसर देना है इसमें। जो बच्चे इस सवाल को देख चुके हैं जान चुके हैं, और शिवानी साहू का आंसर कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। आपके दिमाग में सारी बातें बैठी हुई हैं, एक प्रकार का रिवीजन हो रहा है आप लोगों का यहां पर। तो बेटा देखिए इस कहानी को समझ लीजिए, कजाकिस्तान में चाइनीज जो एम्बेसी है उसके द्वारा इसकी जानकारी दी गई, तो वहां पर निमोनिया के कई ऐसे गंभीर मसले पाए जा रहे हैं, केसेस पाए जा रहे हैं, जहां पर फैटलिटी रेट जो है वो COVID-19 से भी ज्यादा हो सकता है आने वाले सालों में बताया जा रहा है, आने वाले समय में बताया जा रहा है। उस कंट्री का नाम कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की जब बात करेंगे कैपिटल की, तो यहां की कैपिटल है बेटा अस्ताना। कैपिटल क्या बेटा, अस्ताना यहां की कैपिटल है। और टेंगे जो है
ये यहाँ की करेंसी है, क्या नाम है, टेंगे, ठीक है बेटा दिमाग में रखिएगा, अस्ताना कैपिटल और टेंगे इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, क्लियर दोस्तों। अब बातें बता दे बेटा आपको, ये जितने भी कंट्री यहां पर देख रहे हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, ठीक है बेटा, ये जो कंट्री हैं ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस जो कभी हुआ करता था उससे 1991 के विघटन के बाद ये देश बने हैं, जबकि कजाकिस्तान जो है इसका स्थापना 1993 में किया गया है। यूएसएसआर की जब बात की जाती है बेटा तो अब तो इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसका नाम है रशिया, दिमाग में रखिएगा रशिया, और रशिया अपना विक्ट्री डे कब मनाता है, 9 मई को। रशिया में अभी हाल में ही संविधान में सुधार किया गया जिसके बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, अब वो 2036 तक रशिया के ताज अपने सर पर रख सकते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। देवदत्ता कोई टेंशन नहीं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े हुए हैं ये अच्छी बात है बेटा, ठीक है। जो आपके दोस्त हों, आपके सगे संबंधी हों, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। अनीश राजा आप नए हैं, आपका स्वागत है बेटा। अनीश राजा मेरी डेली क्लास शाम को 7 बजे होती दोस्त, ठीक है बेटा। रशिया में संविधान में सुधार किया गया जिसके तहत अब 2036 तक प्रेसिडेंट कौन रहेगा रशिया का, रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, और इस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई बता दे मुझे, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, दिमाग में रखेगा मिखाइल मिशुस्तिन जो है ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन इज द प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी है वहां की रूबल, ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चे, अरुणा कोले आपका पहला दिन है बेटा, स्वागत है, आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो थम्स अप जरूर करिएगा जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है दोस्तों, विश्व देश का बल्कि विश्व का पहला रियूजेबल पीपीई किट जो कि ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। सवाल को पढ़ लीजिए, जवाब देना है आपको यहां पर, मैं आपको एक बार सवाल फिर से समझा देता हूं, वो कौन सी संस्था है, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा विश्व का पहला रीयूजेबल पीपीई किट जिसके तहत अगर बात करें ये ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, इसे लॉन्च किया हाल में ही। जिन बच्चों का पहला दिन है सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं बेटा। डेली शाम को 7 बजे सेशन होता है, वो बच्चे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए 25 जुलाई को बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है बेटा। लॉयल टेक्सटाइल, बिल्कुल सही जवाब भूमि बच्चे, आपको पुरानी बातें याद हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अपने पुराने बच्चे हैं उनको उनका रिवीजन हो रहा है एक टाइप का यहां पर, ठीक है बेटा। लॉयल टेक्सटाइल माई लैब ये पहली संस्था है जिसने COVID-19 किट तैयार की थी, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट लैब जिसके द्वारा COVID-19 टेस्ट किट तैयार की गई थी, काफी चर्चाओं में थी ये कंपनी जब टेस्ट किट तैयार की गई थी। तो COVID-19 फर्स्ट टेस्ट किट जो तैयार की गई थी वो माई लैब द्वारा तैयार की गई थी। माई लैब कंपनी कहाँ की है, पुणे की। हिट्रो कंपनी कहाँ की है बेटा, हैदराबाद की है, इसने भी वैक्सीन तैयार की है COVID-19 की। भारत बायोटेक की बात करें तो ये कंपनी भी कहाँ की है बेटा, हैदराबाद की है, और इसी की वो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। नाम सुना होगा बेटा कोवैक्सीन के बारे में आप लोगों ने, कोवैक्सीन जिसका ट्रायल शुरू होने वाला है। ग्लेनमार्क जिसकी फेवी फ्लू है, ये पहली ओरल वैक्सीन है फेवी फ्लू जो काफ़ी चर्चाओं में रही, जिसे DCGI जिसे बोलते हैं DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल मिला। तो ये सारी जानकारी दोस्तों बेटा इस तरह से सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है, हमारा टाइम पूरा हो चुका है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार डिटेल में सारी जानकारी फिर से बता दूं, यहां पर सेशन को रिवाइज तो नहीं करा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जो कि क्लास से जुड़ी हुई है उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो वो बच्चे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो बैंकर बनना चाहते हैं, वो एक बार मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं, और नया बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है 25 जुलाई से, अपने सगे संबंधियों को बता दीजिए, ठीक है बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं और इस समय बैंक में कार्यरत हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, आधार लिंक कर रहे हैं, अगर आप भी आधार लिंक करना चाहते हैं तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चे। अगली बात,
अगली बात, स्टैटिक जीके की सुबह क्लास होती है अनअकैडमी पर डेली, सुबह 10 बजे होती है बेटा। शाम के टाइम 7 बजे करंट अफेयर और रात को स्टैटिक जीके वाईफाई पर भी होता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अजय पाल, नेक्स्ट क्लास जो है बच्चे वो 11 बजे रात को होगी, डेली शाम को यूट्यूब पर वाईफाई पर इस चैनल पर 7 बजे शाम को और रात को 11 बजे क्लासेस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास शेड्यूल के बारे में जान लीजिए और साथ साथ में ये जो आपके सामने यहां पर खबर लटकी हुई है इसके बारे में अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दीजिए। रात को 11 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होगी, आप लोग जरूर जुड़िएगा। विद्यावती बच्चे धन्यवाद, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेगा, जरूर लाइक करके ही जाइएगा और साथ साथ में थम्स अप करना मत भूलिएगा। अनुषा शर्मा, बेटा वहां पर वो अपनी क्लास होती है, यहां पर थोड़ी जल्दीबाजी होती है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत, थैंक्स, धन्यवाद।